इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं और मदरसे में केवल 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 आतंकवादी पैदा होते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी सरकार के नेताओं ने विवादित बयान दिया हो। आए दिन कोई न कोई नेता ऐसा बयान दे देते हैं जिससे सियासत में उबाल आ जाता है। हाल ही में योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मदरसे आतंकियों के अड्डे हैं, वहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। मदरसे से निकलने वाला व्यक्ति आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी की होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। विवादित बयान में राज्य मंत्री ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाणी निकला था, वो भी मदरसे से जम्मू कश्मीर से पढ़कर आया था। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी मदरसे से पढ़े हैं, जितने भी आईएसआई के एजेंट हैं, सभी मदरसे से निकले हुए हैं। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए हैं और मदरसे में केवल 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 आतंकवादी पैदा होते हैं। नहीं तो ये कैसे बता रहे हैं आपके मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं? ऐसा कोई मदरसे रहा है ना आतंकवादी निकले? हाँ जी, मैं आपको बताऊं, देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी निकला था कि नहीं, वो भी मदरसे से जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था। मैं तो और कहीं दूर कहाँ जाऊँ, जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने आईएसआई के एजेंट और वो हैं, सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहाँ पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ पर। तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। न्यूज डेस्क, जनहित टाइम्स।